आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुबह की सबसे ना लेके चलती हूँ आज की कुछ ताजा तरीके खबरों की। सन 2018 की शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना पर आज दिनांक 10 जून को फैसला सुनाया गया। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। पठानकोट की अदालत में मुख्य आरोपी सांझी राव समेत 6 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा 7वें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान होगा। इन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है वो ये है। ग्राम प्रधान सांझी राव मुख्य आरोपी है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, रसाना गांव प्रवेश दोषी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता व पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार, जबकि सांझी राव का बेटा विशाल को बरी कर दिया गया है। कठुआ मामला जब सामने आया था तो देश ही नहीं दुनिया में इसने सुर्खियां बटोरी थी। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। गोरखपुर में पीर मोहम्मद नमक शख्स को योगी के खिलाफ अभद्र पोस्ट वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी धर्मेंद्र भारती फरार है। बताते चले कि पीर मोहम्मद और धर्मेंद्र भारती ने शुक्रवार को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किया है। इसकी शिकायत गोला के रहने वाले उमेश यादव ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से की। एसएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस ने आरोपी पीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पोस्ट तैयार करने वाले धर्मेंद्र भारती की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसमें ममता सरकार को नागरिकों में विश्वास बनाए रखने में विफल बताया था। एडवाइजरी के जवाब में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि राज्य में हालात नियंत्रण में है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलय कुमार ने पत्र में लिखा है, चुनाव के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की गई थी। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी राजनीतिक साजिश के जहाज से ज्यादा कुछ नहीं है। पंजाब के मंत्री एवं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को अहम स्थानीय शासन विभाग से हटाए जाने के कुछ दिन बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराया। सिद्धू ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्हें अपना पत्र सौंपा, उन्हें स्थिति से अवगत कराया। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की। पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से स्थानीय शासन और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभागों का कार्यभार ले लिया था। इसके बाद सिद्धू ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी। उन्हें ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुंबई 2011 विश्व कप के हीरो रहे युवराज सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस दौरान अपने भाषण में युवराज सिंह ने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। युवराज ने आज दोपहर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने संन्यास का ऐलान किया। युवराज ने अपना आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 जून 2017 में खेला था। वही उन्हें पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। युवराज ने आखिरी टेस्ट मैच 5 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। जून का महीना उत्तर भारत के लिए गर्मी की आफत लेकर आया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सोमवार को राजधानी का तापमान 45 डिग्री के पास जा सकता है। ऐसे में न सिर्फ सैलानी बल्कि दिल्ली वाले भी गर्मी से परेशान है। दिल्ली के अलावा पूरा एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तेज तापमान के अलावा लू के थपेड़े भी आम आदमी की चिंता बढ़ा सकते हैं। इससे पहले भी पारा लगातार 45 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है। फिल्म भारत को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ईद 2019 के खास अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म भारत ने पहले दिन ही बम्पर कमाई की थी। दूसरे दिन में कलेक्शन ने तो फिल्म को 70 करोड़ के पार पहुंचा लिया था। वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा छूने से सहमहज 4.5 करोड़ रुपए पीछे रह गई थी। लेकिन अब अगर चौथे दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 26.70 करोड़ रुपए की कमाई की है। इससे रविवार के पहले ही फिल्म अब तक की कुल कमाई 122.20 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस पर हो गई है। जाने माने कन्नड़ नाटककार, रंगकर्मी, एक्टर, निर्देशक और स्क्रीन राइटर गिरीश कर्नाड का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की वजह मल्टीपल ऑर्गन का फेल होना है। सोमवार को बेंगलुरु में
गिरीश कर्नाड का निधन हुआ। कर्नाड लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। गिरीश कर्नाड के निधन से साहित्य और सिनेमा जगत में शोक की लहर है। कर्नाटक की सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सीएम एचडी कुमारस्वामी दिग्गज साहित्यकार के निधन के बाद राजकीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मिशन वर्ल्ड कप पर निकली भारतीय टीम ने रविवार को खेले गए अपने वर्ल्ड कप 2019 के रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात दी। ओपनर शिखर धवन के शानदार शतक के बाद के दम पर भारत ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसे कंगारू टीम पार न कर सके। लेकिन शानदार जीत के बाद भी मैच में कुछ ऐसा हुआ कि कप्तान विराट कोहली को माफी मांगनी पड़ी। कोहली ने ये माफी किसी और से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ से मांगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने पहुंची तभी उनके पीछे खड़े भारतीय फैंस ने हूटिंग करना शुरू कर दी। फैंस लगातार स्टीव स्मिथ को चीटर कहकर चिल्ला रहे थे। ये सब उस वक्त हो रहा था जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर क्या विराट कोहली ने बल्लेबाजी छोड़ भारतीय फैंस की ओर इशारा किया और उन्हें हूटिंग ना करने को कहा। ऐसी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें www.खबरोंकीदुनिया.com।